जीवन का कल्याण कैसे होगा, यह प्रश्न सभी के जीवन में उठना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न के बिना जीवन का कल्याण हो भी नहीं सकता है। अब इस प्रश्न का उत्तर है, आत्म के अहित विषय कसाय, इसमें मेरी परिणति न जाए। इस आत्मा का अहित करने वाला और कोई नहीं है, ये विषय कसाई ही हैं। व्यक्ति इन कसायों के आवेश में आकर ही संसार के उन कार्यों को करता है और उन कार्यों के माध्यम से ही पाप का आश्रय और बंध करता है, जिससे यह आत्मा इस संसार की कैद में बंद रहती है। स्वतंत्रता चाहिए, कर्मों की दासता से मुक्ति चाहिए, तो इन कसायों के नेचर को आपको समझना होगा। आचार्यों ने इन कसायों को चारों गतियों में बांट दिया। नारकियों में क्रोध की बहुलता होती है, देवों में मायाचारी की त्रियंचों में मायाचारी की बहुलता होती है, देवों में लोभ की बहुलता होती है और मनुष्यों में मान कसाई की बहुलता होती है। अभी कुछ चोर लोग आए यहाँ पर, अपनी अपनी जमा राशि जमा कर रहे थे। महाराज जी, चोर बोल रहे हो हमको, हम तो दानी हैं। काय के दानी हो तुम लोग, चोर हो सब। कौन हो तुम लोग, बोलो ना कौन हो, चोर कैसे हुए आप लोग? तुम्हारा है क्या जो तुम यहाँ देने आए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। है तो सब धर्म का और दे रहे हो, तिलक लगवा रहे हो मान में आकर के, है क्या सोच रहे हो? कई लोग तो ये सोचते हैं कि अगर हम ना आए समाज में तो समाज का कार्य ही नहीं होगा। मैं तो उन श्रेष्ठियों को बहुत आशीर्वाद देता हूं जो इस विधान में खुल करके नहीं आए, कम से कम नए को तो आने मिला। किसको आने मिला? वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अगर वे ही वही आगे आ जाते तो नए कहां से आते? और हमें कैसे पता चलता कि गुदड़ी के लाल भी बैठे हुए हैं यहां पर, है और भी कोई सेठ है। हाँ, बहुत अच्छा किया जो वो लोग नहीं आए। अब वो मान कसाय से नहीं आए, लेकिन हम धर्म की दृष्टि से उसे अच्छा मानते हैं। क्या मानते हैं? हाँ, क्योंकि मान कसाय का नेचर कैसा होता है? गुरु महाराज कहते हैं, बैलगाड़ी चल रही है, कुत्ता उसके साथ साथ चल रहा है। अचानक कुत्ता रुक गया और इत्तफाक से बैलगाड़ी भी रुक गई, तो कुत्ता क्या सोचता है? और कुत्ता जैसे ही चलता है तो बैलगाड़ी चलने लगती है। क्या हुआ उसके मन में, क्या विचार आ गया कि मैं रुकता हूं तो बैलगाड़ी रुक जाती है और मैं चलता हूं तो बैलगाड़ी चल जाती है? नहीं भैया, यहां पर आप लोग जो धर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, जो धर्म की प्रभावना के लिए विधान कर रहे हो, इस प्रभावना में मान कसाय के साथ जो अप्रभावना करता है, धर्म उसकी मति और संपत्ति दोनों छीन लेता है और विपत्ति का डेरा उसके घर में जमा देता है। फिर कोई भी तुमको उस विपत्ति से बचा नहीं सकता, स्वयं मैं नहीं बचा सकता जो करवाने वाला है। क्यों? धर्म कहता है, मैंने तेरी बुद्धि को निर्मल और विशुद्ध बनाने के लिए ये अनुष्ठान रचा है और तू मान कसाय में आकर के मेरे ही अप्रभावना कर रहा है। भैया बचो, धर्म बहुत खतरनाक वस्तु है। इतनी खतरनाक है, परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है धर्म। क्यों? ये अगर विस्फोट हो गया ना, फिर कहीं के नहीं रहोगे, याद रखना। इसलिए धर्म का अनुष्ठान धर्म की प्रभावना के लिए किया जाता है, जैन धर्म के ध्वजा को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है। और मान कसाय में आकर तुम धर्म की अप्रभावना कर रहे हो, उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं होता है, परिणामों से होता है। सुन रहे हो? धर्म का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं होता है, परिणामों से होता है। रावण ने परिणाम बिगाड़ लिए, क्या हस्र हुआ उसका। मान कसाय में उसका उदाहरण दिया जाता है, एक लख पुत सवा लख नाती, ताके घर में
दिया ना बाती। क्या हुआ उन कौरवों के वंश का बताओ? सब के सब धराशायी हो गए। इसलिए धर्म के अनुष्ठानों में कभी भी कसाई को उद्वेलित नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। करने वाला और कराने वाला दोनों पाप का बंद कर रहा है, और इतने निकृष्ट पाप का बंद कर रहा है, कुछ पूछो नहीं। धर्म क्यों करने आए हो? आत्मविशुद्धि के लिए करने आए हो? हां, इसीलिए धर्म को समझने का प्रयत्न करो। मान कसाय का विसर्जन, इस आत्मा के अहित कौन करने वाले हैं? ये विषय कसाय करने वाले हैं। इन्हीं को तो शांत करने के लिए हम धर्म की शरण में आते हैं। क्यों भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं? क्यों झुकते हैं गुरुओं के चरणों में अपना करके? क्यों धर्म की जुलूस प्रभावना निकालते हैं अपन? ताकि हमारे अंदर जो कसाय है वो शांत हो जाए और हमारे अंदर विशुद्धि परिणाम बढ़े। जब तक विशुद्धि परिणाम नहीं आएंगे, कितना भी धर्म तुम कर लो, इस थाली की द्रव्य उस थाली में तो माली भैया भी करके ले जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने कर दी तो क्या हुआ? क्या कमा लिया तुमने? उसको बेच करके थोड़ा धन को कमा लेता है, तुमने भी थोड़ा अपना द्रव्य इसमें लगा करके पुण्य कमा लिया। लेकिन जो विशुद्धि आत्मा के कर्मों के निष्कासन के लिए बढ़नी चाहिए, निर्जरा के लिए बढ़नी चाहिए, वो विशुद्धि नहीं बढ़ी तो सब किया कराया पानी में चला गया। ये कसाई दूसरों का बाद में नाश करती है, पहले अपना नाश करती है। इसीलिए इन कसायों को समन करने का नाम ही धर्म है, धर्म और की वस्तु नहीं है। अगर इन क्रियाओं के माध्यम से हमारी कसाय उत्तेजित हो रही है, हमारे अंदर लड़ाई झगड़े के परिणाम हो रहे हैं, तो वो धर्म नहीं अधर्म हो जाएगा। उस क्रिया से आपको पाप का आश्रय और बंद होगा। देख लो, सेठ जी सामायिक में बैठ खड़े हुए हैं, धर्म कर रहे हैं, और जैसे ही प्रणाम निकले, बदले प्रणामों से गिरे, सामायिक करते करते मेंढक का प्रणाम बांध लिया उसने, किस आयु का बंध बांध लिया, मेंढक बन गए। क्या कर रहे थे सेठ जी? किसी को मार रहे थे क्या? किसी को गाली दे रहे थे क्या? मात्र सामायिक कर रहे थे, और सामायिक में परिणाम बिगड़े तो मेंढक की गति का बंध कर लिया उन्होंने, मेंढक बन गए। और जब मेंढक बन करके शुद्ध परिणाम किए तो प्रीतंकर नाम के देव बन गए। क्या बन गए? वही सेठ परिणामों से गिरे तो मेंढक बन गए, और वही सेठ मेंढक की पर्याय में परिणाम सुधारते हैं तो क्या बन जाते हैं? देव बन जाते हैं। इसलिए बंधुओं, ये समोसरण विधान परिणाम सुधारने के लिए है, परिणाम बिगाड़ने के लिए नहीं। आप इस धर्म के माहौल में वातावरण बिगाड़ोगे, कर्म तुम्हें माफ नहीं करेगा। भले हम कितना तुम्हारा सपोर्ट कर दें, कितना तुम्हारा सहयोग कर दें, लेकिन उस सहयोग में भी कर्म किसी की तरफ से नहीं बोलता है, कर्म तो परिणामों को देखता है। इसलिए प्रभावना में मान कसाय मत लाना। अगर मान कसाय लाना है तो मान कसाय को नाश करने में लाओ। हम लोग भी कसाई हैं, गुरुजी भी कहते हैं हमेशा, मैं बहुत रागी हूं, मुझे बहुत राग है, लेकिन मेरा राग मेरी आत्मा से है, तुम्हारा राग संसार से है। किससे है राग? करो, किससे करो? अपनी आत्मा से करो, क्योंकि अपनी आत्मा से राग करेंगे तो इस आत्मा का हम हित कर पाएंगे। संसार के पदार्थों से राग करोगे, संसार के विषय भोगों से राग करोगे, तो वह राग तुम्हारे लिए आग बन जाएगी और तुम्ही को जला करके राख कर देगी। इसलिए आत्म के अहित विषय कसाय, इसमें मेरी परिणत न जाए। दीक्षा लेना है, दीक्षा ऐसे नहीं मिलती है जैन साहब, दीक्षा लेने के लिए परिणाम करना पड़ता है। हम लोग ब्रह्मचारी थे, आचार्य महाराज आशीर्वाद दीजिए हम आप जैसे मुनि बन जाएं। बोले, आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा ब्रह्मचारियों, भावना भानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाँ, क्या करें गुरुजी? मंत्र दिया आचार्य महाराज ने, आप लोग माला फेरिए, भावना भवनाशिनी, इस भावना से ही भव का नाश होता है। आप लोग जितने यहाँ पर देव के रूप में बैठे हो,
सब आज से ये भावना शुरू कर दो, मुझे आर्यिका बनना है, मुझे मुनि बनना है। बनो नहीं बनो ये बात की बात है, पहले बनने के परिणाम तो करो। अभी तक हमने सोचा ही नहीं है कि हमें दीक्षा भी लेनी है। काय महेंद्र, सोचो तुमने कछु कि हमें दीक्षा लेनी। सीता जी तो सोच लो, राम ने नहीं सोचो। अबे सीता जी पहले घर छोड़ देती हैं, रामचंद्र जी तो बाद में छोड़ते हैं। प्रणाम तो करना पड़ेगा। जब संसार के कार्यों के लिए प्रणाम करते हैं तो वो कार्य संपन्न होते हैं। उसी प्रकार से आत्मा के हित के लिए भी प्रणाम करो। भावना भाव बन पाए या न बन पाए ये तो बात दूसरी है, पहले भाव भावनाओं को। मुझे इस संसार में मरण के पहले आर्यिका बनना है। माताओं भाइयों, मुझे मुनि बनना है। इस प्रकार की माला दी गुरुदेव ने हम लोगों को ब्रह्मचारी अवस्था में। हमने ये भावना भाए, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, दीक्षा हो गई, गुरुदेव आपका मंत्र पूरा हो गया, हम लोग मुनि बन गए। नहीं, अभी मंत्र पूरा नहीं हुआ। जब तक मुक्ति नहीं मिलती, जब तक तुम्हारा कोर्स चलता रहेगा। अब दूसरा कोर्स सुन लो, श्रमण बनने के बाद में क्या करना है। अब ये भावना आप भाओ, अंते समाहि मरणम, मेरा मरण समाधि पूर्वक हो, समाधि पूर्वक हो, समाधि पूर्वक हो। इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत होकर के संसार में धर्म की क्रिया करनी चाहिए। क्योंकि जैन धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य वंदे तदगुण लब्धे है। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, ये लक्ष्य है धर्म की क्रियाओं का। हम धर्म करें और परिवर्तन ना आए तो फिर समझ लेना आपका धर्म खोखला है। आप धर्म नहीं कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। ये मान कसाय को छोड़ो, ये क्रोध कसाय को छोड़ो, ये मायाचारी को छोड़ो, ये लोभ को छोड़ो, ये राग द्वेष को छोड़ो। हाँ, किससे राग कर रहे हो, किसका समर्थन कर रहे हैं हम? एक का, क्योंकि राग और द्वेष का स्वभाव तो देखो क्या है। राग कभी दोषों को प्रकट नहीं करने देता है और द्वेष कभी गुणों को उद्घाटित नहीं होने देता है। तुम्हारा जिससे राग है तुम उसके सभी दोष ढाक दोगे, तुम्हारा जिससे द्वेष है उसके एक भी गुण तुम उद्घाटित नहीं होने दोगे सामने। पूरी गलतियां उस द्वेष, जिससे द्वेष है उसको रोक दोगे। बस दोनों अवस्थाओं में क्या होगा, करने वाले को पाप का आश्रय और बंध, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये मजा मारे, ये मजा मारे, और पाप का आश्रय बंध करने वाले को होता है। संसार में आप लोग इस राग द्वेष के साथ चल रहे हो, मजा मार रहे हैं ये जो तुम्हारे आश्रित हैं, और इनके पीछे तुम संसार में राग द्वेष करते करते कीड़े मकोड़े बन जाते हो, नरक निकोद में चले जाते हो। समझने का प्रयत्न करो, इस संसार में तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई नहीं है, और उस आत्मा के ही ध्यान दो। ये सब तो चोर बदमाश हैं जो जुड़ गए हैं। कौन है ये? हाँ, तनकाराग्रह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले, कमला चलत न पैड़ जाए, मरघट तक परिवार। कितना संबंध है इन पापियों से, सोचो तो थोड़ा सा, विचार तो करो। और जब ये विचार वैराग्य में बदल जाता है तब इस आत्मा का हित होता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आत्मा का हित करने का। इसलिए समय बहुत कम है और मंजिल बहुत दूर है। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम परिणामों को बदलने का प्रयत्न करो। किससे राग कर रहे हो, किससे द्वेष कर रहे हो, किसे जोड़ रहे हैं संसार से? कितना भी जोड़ ले तुमसे, कितना भी हम तुमसे वास्तव्य प्रेम रख लें, ये सब बंध का कारण है और कुछ नहीं है। इसलिए इन सब परिणामों को वीतरागता में बदलने का प्रयत्न करो। यही दीक्षा के परिणाम बार बार मन में लाओ, और आत्मा के हित के भी यही परिणाम कहे जाते हैं। इसलिए धर्म की प्रभावना में
जो अप्रभावना करता है, धर्म उसकी मति और संपत्ति दोनों छीन लेता है और उसके घर में विपत्तियों का डेरा बैठा देता है। फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान तुमने धर्म का किया तो बदला भी धर्म लेगा। फिर दे सोटन की मार, दीन सुनी माड़ी बीनती, आदिनाथ भगवान गाते रहो बेटा। धर्म बोलता है तुमने मेरी अवहेलना की, मेरा अपमान किया, मेरा अनादर किया, अब उस अनादर का फल तो भोग कोई नहीं बचा पाएगा। पुनः गिड़गिड़ा करके दूसरी पर्यायों में उस धर्म के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए उस निकृष्ट पर्यायों में हाथ जोड़ने से अच्छा है भैया इसी पर्याय में धर्म की शरण में आकर के निंदा ग्रहा आलोचना कर लो, कितने भी पाप कर लो, वे पाप आपके नदी और समुद्रों के पानियों से धुलने वाले नहीं है। वो सारे के सारे पाप धुलेंगे तो पश्चाताप के अश्रुओं के माध्यम से ही धुलेंगे। इसलिए मूल धर्म क्या है? स्वयं के दोषों की निंदा ग्रहा आलोचना करना ही मूल धर्म है। और इस धर्म को जो नहीं अपनाता है, आचार्य कहते हैं कितनी बड़ी साधना कर ले तू संसार में दिखाने के लिए, लेकिन अपने किए हुए दोषों पर पश्चाताप नहीं करता है, तेरी सारी साधना विफल हो जाएगी। हम लोगों को आदेश दिया समाधि के समय में आचार्य खोद खोद करके उस छुपे हुए दोषों को निकालते हैं। उत्पीड़क रहते हैं, उनको एक गुण है उत्पीड़क, उस छपक को समझाते हैं क्यों संसार के भय के कारण तू अपने दोषों को छिपा रहा है, निकाल इसे, इस सल्ले को नहीं निकालेगा तो तेरी संलेखना नहीं हो पाएगी। और वे आचार्य उस छपक के सल्ले को निकालते हैं, निंदा ग्रहा आलोचना उसी से करवाते हैं, क्योंकि स्वयं की निंदा ग्रहा आलोचना, स्वयं का पश्चाताप और स्वयं का प्रायश्चित इस आत्मा को करना पड़ेगा, तभी ये कर्म इस आत्मा से निकलेंगे, नहीं तो तुम अनादिकाल से संसार भ्रमण कर रहे हो और अगर इस प्रक्रिया को नहीं अपनाओगे तो अनंत काल तक यूं ही संसार में रुलते रहोगे। ज्यादा कहना अच्छा नहीं है, बहुत सुन लिया, बहुत विधान कर लिया, अब निष्कर्ष में परिणामों को सकारात्मक मनाएं, परिणामों को विशुद्ध करें और कसायों और राग द्वेष से बच करके अपने आत्मा के हित के बारे में चिंतन करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की